स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फोर क्या पूछा था? सिंपल पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन से। पेरिसाइक्लिक में कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पे? यह है हमारा डाइल्स अल्डर रिएक्शन। ठीक है ना, डाइल्स अल्डर रिएक्शन। जनरली डाइल्स अल्डर रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जनरली अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग डाइन। और इसी के साथ अगर दिया हुआ हो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिया हुआ है इस तरह से, साइनाइड हो या कीटोन हो एसीटोन हो, ठीक है ना, सी हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइनोफाइल। इसे डाइन क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि जनरली क्या होता है, डाइन के अंदर हमारा जो डाइन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये क्या होता है, डाइन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। और डाइनोफाइल क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है ये। और यहाँ पे हमें क्या मालूम करना होता है, क्या डाइन के कौन से कार्बन है हमारा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखो यहाँ पे OMe दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा किसे, डाउन वाले कार्बन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग इसे कहते हैं ये हो गया हमारा होमो, होमो कार्बन हो गया। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्या कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ, साइनाइड इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे इसे लूमो, ठीक है, होमो लूमो अप्रोच होता है डाइल्स अल्डर रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे होमो के सामने ही हमें क्या करना होता है, लूमो का कार्बन अट्रैक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये होमो का कार्बन डाउन को है, ये लूमो कार्बन अपकू जा अपकू है यहाँ पे, ठीक है, अपकू है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे रोटेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है लूमो वाला वो कहाँ पे आ जाए, डाउन को आ जाए इसके साइड को। तो हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे। तो वही कंसेप्ट हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाली रिएक्शन से, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी रिएक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो यूमाल्टी आ गई हमारी OMe ओ एस आई एम ई थ्री, ठीक है, साथ में दिया है। अब मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया, यहाँ पे हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रिएक्शन हीट, पहली कंडीशन हीट में रिएक्शन होंगी हमारी, ठीक है। क्या बन गया, सिक्स मेंबर की रिंग बन जाती है यहाँ पे, देखो सिक्स मेंबर साइक्लिक कंपाउंड मिल गया, ओ एस आई एम ई थ्री आ गया यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ओ एम ई एज इट इज, ठीक है, और ये साइनाइड आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन, एक्वियस एसिडिक यानी के वाटर H3O, ये आ गया हमारा एसिडिक कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जनरली ये क्या करता है, प्रोटॉन लेगा किससे, इससे एसिडिक प्रोटॉन लेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ओ एस आई एम ई थ्री डबल बॉन्ड एज इट इज ओ एम ई एच पॉजिटिव, ठीक है, ये साइनाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, इधर शिफ्ट और ये बाहर, क्या मिल गया हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड मिल गया, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, कहा है ऐसा थर्ड वाला, ठीक है। तो कौन सा